नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में पिछले 24 घंटों में 1265 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 190,123 हो गई है। पटना में सर्वाधिक 314 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। वहीं अगर पूरे राज्य में बात करें तो अररिया में 51, अरवल में 15, औरंगाबाद में 11, बांका में 25, बेगूसराय में 23, भागलपुर में 22, भोजपुर में 19, बक्सर में 8, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 35, गया में 38, गोपालगंज में 30, जमुई में 31, कैमूर में 8, कटिहार में 38, खगड़िया में 22, किशनगंज में 21, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 32, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 44, नालंदा में 30, नवादा में 18, पूर्णिया में 50, रोहतास में 44, सहरसा में 35, समस्तीपुर में 16, सारण में 22, शेखपुरा में 14, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 18, सिवान में 31, सुपौल में 27, वैशाली में 27 और पश्चिमी चंपारण में 45 नए संक्रमित की पहचान की गई है। कभी जदयू के कदावार नेता रहे अनंत सिंह को राजद ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया है। पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह इस बार लालटेन छाप पर चुनाव लड़ेंगे। वह बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। 2015 का चुनाव अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। पिछले दिनों अनंत सिंह ने पेशी के दौरान मीडिया से कहा था कि इस बार मैं राजद के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करूंगा। आपको बता दें कि इस बार अनंत सिंह मोकामा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां पर जदयू के राजीव लोचन से मुकाबला होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भी जदयू ने 17 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। पार्टी ने इन्हें सिंबल दे दिया है। पार्टी ने सोमवार को भी 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। जिन नामों का ऐलान किया गया है उनमें तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय और पार्टी प्रवक्ता निखिल मंडल का नाम प्रमुख है। तो आइए उन 17 उम्मीदवार और उनके विधानसभा सीटों के नाम जानते हैं। तो सबसे पहले निखिल मंडल जो मधेपुरा से लड़ेंगे, नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर से, महेश्वर यादव गायघाट से, विजेंद्र यादव सुपौल से, पूनम यादव खगड़िया से, चंद्रिका राय परसा से, आसमा परवीन महुआ से, खुर्शीद आलम सिकटा से, रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर से, गौतम सिंह मांझी से, लेसी सिंह धमदास से, सुनीता सिंह चौहान बेलसन से, महेश्वर हाजरी कल्याणपुर से, रमेश ऋषिदेव सिंहेश्वर से, विजेंद्र यादव संदेश से और डॉक्टर अशोक कुमार कुशवाहा सासाराम से चुनाव लड़ने वाले हैं। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। 37 प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिया गया है। गंभीर रूप से बीमार मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को प्राणपुर से टिकट मिला है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज बबलू छातापुर से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नाम देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने किसी मंत्री का टिकट नहीं काटेगी। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो आइए भाजपा के 37 उम्मीदवार और उनके विधानसभा क्षेत्र के नाम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले राणा रणधीर सिंह जो कि मधुबन से लड़ेंगे, प्रेम कुमार गया से, प्रमोद कुमार मोतिहारी से, विजय सिन्हा लखीसराय से, कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी से, ब्रज किशोर बिंद चैनपुर से, नंद किशोर यादव पटना साहिब से, राम नारायण मंडल बांका से, विनय बिहारी लोरिया से, रेणु देवी बेतिया से, भागीरथी देवी रामनगर से, अजय सिंह रक्सोल से, पवन जायसवाल ढाका से, सतीश राय राघोपुर से, अवधेश पटेल हाजीपुर से, नीरज बबलू छातापुर से, ताराकिशोर प्रसाद कटिहार से, विजय खेमका पूर्णिया से, संजय सरावगी दरभंगा से, जीवेश मिश्रा जाले से, श्रेयसी सिंह जमुई से, मनोज शर्मा गोह से, रिंकी पांडे भभुआ से, निरंजन राम मोहनिया से, निशा सिंह प्राणपुर से, संजीव चौरसिया दीघा से, अरुण कुमार सिंह कुम्हार से, ओम प्रकाश यादव सिवान से, व्यास सिंह दरौंदा से, शत्रुघ्न तिवारी अमनौर से, अवधेश पटेल हाजीपुर, केदार गुप्ता कुर्नी से, अशोक कुमार सिंह पारू से, गायत्री देवी यादव परिहार से, रामप्रीत पासवान राजरंगर से, अनिल सिंह हिसुआ से और मोतीलाल शाह रीगा से चुनाव लड़ने वाले हैं। नामांकन के छठे दिन मंगलवार को कई विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने, तो वहीं गया में टिकारी से पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार ने हम से नामांकन पर्चा भरा। इसके अलावा बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भी नामांकन दाखिल किया।
तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची सामने आ रही है। मंगलवार को प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। इनमें ऐसे उम्मीदवारों को जगह दी गई है जो क्षेत्र में प्रभावी रहे हैं या फिर जिनका प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा था। सिटिंग विधायक के नाम पर आंख बदलकर कांग्रेस ने मुहर लगाई है। तो आइए उन सभी 19 उम्मीदवार और उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गजानन शाही जो कि बरबीघा से लड़ेंगे, डॉक्टर अशोक राम कुशवेश्वर स्थान से लड़ेंगे, संतोष मिश्रा करहर से, सतीश कुमार सिंह उर्फ मंटन सिंह नवादा से, कृपानाथ पाठक जो कि फूलपरास से लड़ेंगे, प्रतिभा देवी राजा पकड़ से, शुभानंद सिंह कहलगांव से, राजेश कुमार सिंह वाल्मीकि नगर से, अवधेश कुमार सिंह वाजीरंज से, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी सिकंदरा से, राजेश राम कटुम्बा से, नीतू कुमारी हिसवा से, सिद्धार्थ विक्रम आनंद कुमार सिंह औरंगाबाद से, मुरारी गौतम चिनारी से, भावना जा बेनीपट्टी से, मदन मोहन तिवारी बेतिया से, अजीत शर्मा भागलपुर से और अमित भूषण बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव के लिए एनडीए में मंगलवार को सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई है। जीतन राम मांझी का हम पार्टी को जेडीयू अपने हिस्से से सीट देगी। जेडीयू ने सोमवार को ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें सिंबल देना शुरू कर दिया। तो वहीं भाजपा ने भी कल अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच मंगलवार को एक से बड़ी खबर सामने आई है। हनुमान नगर में दरभंगा समस्तीपुर रोड पर चेकिंग में स्कॉर्पियो से पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपया बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बरामदगी के साथ ही पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका चुनाव से कोई संबंध है या नहीं है। बता दें कि यह मामला विशनपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो मधुबनी के जयनगर जा रही थी। जानकारी के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के द्वारा बिशनपुर थाना की पुलिस के साथ हनुमान नगर घाट पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान समस्तीपुर से आ रही स्कॉर्पियो में से पुलिस ने 94 लाख रुपए बरामद किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों के लिए सुकून और राहत पहुंचाने वाली खबर आई है। अब उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए आवेदन करने के झंझट से मुक्ति मिल गई है। चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश मुताबिक बूथ स्तर के अधिकारी 80 से अधिक आयु के सभी लोगों तथा दिव्यांगों के घरों तक पोस्टल बैलेट के लिए आवश्यक फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं तो बीएलओ अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर मतदाता के घर भरा हुआ फॉर्म 12D एकत्र करके निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा। चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में यह निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राज्य में 5 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। बता दें कि भारत सरकार के मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इन 5 जिलों में नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, बेगूसराय को अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा पूरे बिहार में चल रही है। यही वजह है कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मानसूनी सीजन 30 सितंबर को खत्म हो चुका है। इसके बाद भी पूरे सूबे में मानसूनी सिस्टम बना हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर एक और दिलचस्प खबर सामने आ रही है। शिवसेना ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के डीजीपी पद से वीआरएस देकर चुनाव मैदान में उतरे गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। चाहे वह कोई भी विधानसभा से चुनाव लड़े, शिवसेना गुप्तेश्वर पांडे का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर बिहार की शिवसेना प्रभारी पार्टी के सीनियर लीडर संजय राउत से मुलाकात कर चुके हैं। संजय राउत भी इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पार्टी नेताओं को बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी को उतारने का निर्देश दिया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ लोजपा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी में भी शामिल करा लिया है। बताया जा रहा है कि दिनारा से टिकट नहीं मिलने के कारण राजेंद्र सिंह को नाराजगी थी, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लेते हुए लोजपा का दामन थाम लिया है। यही वजह है कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें सदस्यता दिलाई है और इसके साथ साथ दिनारा से ही चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का सिंबल तक दे दिया है।
दारोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के लिए होने वाली संयुक्त मुख्य 29 नवंबर को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इस बात को जानकारी दी है। इसके साथ ही प्रवर्तन अवर निरीक्षक और एसआई स्टेशनों के लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2446 पदों के लिए संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा की तिथि 11 अक्टूबर को तय की थी, पर चुनाव के चलते परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। कोरोना काल में बंद पड़े सभी सिनेमा हॉल्स को खोलने का फैसला ले लिया गया है। इस महामारी के मद्देनजर सिनेमा के प्रदर्शन पर करीब 7 महीने से रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शर्तों के साथ दोबारा से खोलने का फैसला लिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमा घर 50% क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से फिर खुलेंगे। दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखनी होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार और प्रसारण मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया घोषित की है और 50% लोगों को अनुमति होगी। वहीं फिल्म प्रकाशन से पहले कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाले 1 मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और मध्यांतर के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। हॉल के बाहर टिकट लेने पर रोक लगा दी गई है। टिकट काउंटर पर भीड़ जमा करने से वायरस फैलने का खतरा है। और अंत की सबसे बड़ी खबर, चुनावी माहौल को देखते हुए राजधानी पटना में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बेली रोड, बोरिंग रोड स्टेशन, गांधी मैदान सहित पटना के कई इलाकों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गांधी मैदान इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। हर आने और जाने वाले वाहनों की जाँच की जा रही है। जाँच अभियान में बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। बड़ी गाड़ियों के साथ ही छोटी गाड़ियों की भी जाँच जा रही है। कागजात सही नहीं पाए जाने पर पुलिस फाइन ले रही है। तो जब भी आप घर से कोई गाड़ी में निकले तो अपना कागजात और हेलमेट पहनकर जरूर निकले। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।